मत रही उदास क्योंकि अब आगे इंग्लिश पिटा लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। देखेंगे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल 21 है। देखा जाए इसमें बढ़िया सा आज भी देखिए एज वेल एज विथ टुगेदर विथ एलोंग विथ इन एडिशन टू एंड नॉट लाइक अनलाइक बट बिसाइड्स रेदर देन गाइडेड बाय डोमिनेटेड बाय कंट्रोल्ड बाय। देखा जाए दो सब्जेक्ट को अगर हम इतना से अगर कनेक्ट करेंगे जिसमें आपका एज वेल एज हो विथ हो टुगेदर विथ हो एलोंग विथ हो ये सबसे अगर कनेक्ट करेंगे तो वर्ब जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा ये यहां आप कहना चाह रहे हैं। देखा जाए जिसे लिखा हुआ है द पब्लिशर एज वेल एज राइटर्स हैज कम या द पब्लिशर एज वेल एज राइटर्स हैव कम क्या होना चाहिए। आखिर यहां पर डबल सब्जेक्ट है एक पब्लिशर है तो एक राइटर्स है लेकिन पब्लिशर क्या है सिंगुलर है एक पब्लिशर है एक है लेकिन राइटर्स बहुत सारे हैं तो अगर इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो हमको हैव लगाना पड़ेगा तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हैज लगाना पड़ेगा तो क्वेश्चन ये है किसके अकॉर्डिंग लगाए वर्ब किसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो देखिए इतना से अगर डबल सब्जेक्ट अगर कनेक्ट रहेगा तो फर्स्ट वाले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब जो फर्स्ट में आया होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब। अगर इतना से अगर कनेक्ट रहेगा तो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब पुट करेंगे। तो देखिए द पब्लिशर पहले आया बाद में आया है राइटर्स तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा तो इसके अकॉर्डिंग पब्लिशर जो है तो सिंगुलर है तो हैज लगेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा हैज हैव वाला गलत हो जाएगा। ठीक हैज वाला सही होगा कोई दिक्कत आगे बढ़े आगे समझ में है ना। एक और एग्जांपल देखा जाए तो एक और एग्जांपल ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज फाउंड गिल्टी या ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स आर फाउंड गिल्टी क्या होगा। तो देखा जाए एंड नॉट से कनेक्ट है क्या क्या कनेक्ट है एंड नॉट से ही कनेक्ट है और हिज ब्रदर्स कनेक्ट है और आप देख रहे हैं ही तो सिंगुलर है ही तो एक है लेकिन हिज ब्रदर्स बहुत है तो इसके अकॉर्डिंग तो लग जाएगा आर और इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा इज ही की अकॉर्डिंग अगर ही का बात मानेंगे तो हमको इज लगाना पड़ेगा लेकिन हिज ब्रदर्स को अगर देखेंगे तो आर लगाना पड़ेगा तो हमको किसी का बात नहीं मानना है हमको देखना है कंसेप्ट क्या कहता है रूल क्या कहता है कि इतना से अगर कनेक्ट रहेगा तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो आपका एंड नॉट से कनेक्ट है और इसमें एंड नॉट है कहीं हाँ है यहां पर एंड नॉट यहां पर है तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो फर्स्ट में ही आया है और ही में भैया इज लगता है ना तो ऑप्शन क्या होगा इज फाउंड गिल्टी ये सही होगा ये गलत होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं क्या अब आगे बढ़े अब आगे बढ़ते हैं अब रूल 22 देखा जाए इसमें क्या कर रहा है ये पेयर वर्ड्स है आपका नाइदर नीदर डॉट 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 नॉट ईदर डॉट 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 और Not only dot 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 but also इससे अगर कनेक्ट रहेगा either dot 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 or neither dot 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 nor not only dot 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 but also इससे अगर कनेक्ट रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब पुट करेंगे ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है जाए neither he nor I was guilty neither he nor I were guilty कौन सही है पहले देखिए अगर हम ही का बात मानेंगे तो हमको वॉस लगाना पड़ेगा और हाँ ही का बात माने क्या लगाना पड़ेगा वॉस और आई का भी बात मानेंगे क्या लगाना पड़ेगा वॉस लेकिन कोई क्या सोचता है कि ही और आई मिलकर बन गया प्लुरल वर्ब प्लुरल सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे प्लुरल वर्ब क्या होगा वर्ब तो हमको ये सब नहीं देखना है हमको इसमें यही देखना है इतना से अगर कनेक्ट रहेगा ना इधर हो नीदर हो नॉट ओनली हो तो सेकंड में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। सेकंड में जो भी आ जाए कोई भी आ जाए सेकंड में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। तो बताइए
ही तो फर्स्ट में है, नीदर से करेक्ट क्या है ही, और नॉट से करेक्ट कौन है आई, तो फर्स्ट में तो ही आया है, सेकेंड में आपका आई आया है, तो क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करेंगे। तो आई के साथ क्या करेक्ट है, नॉट के साथ क्या करेक्ट है जी आई, और आई सेकेंड में आया है तो आई में क्या लगता है वॉज, तो वॉज ये सही है और ये गलत है। अब इसमें से कोई भी आएगा अगर आपको, तो सेकेंड में चेक करना है कि सेकेंड में कौन सा सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब पुट कर देंगे। अगर यहाँ आई है तो आई के अकॉर्डिंग वॉज लगी है, अगर यहाँ इज एम और ऑप्शन होता है इज एम तो क्या लगाते हैं एम, आई में एम लगता है, ठीक है। और लगे या ना लगे दोस्तों को मतलब नहीं है, सेकेंड में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का वैल्यू होगा, अगर सेकेंड में अगर ही रहता तो हम क्या लगाते वॉज, अभी वॉज लगाते हम चेक कर लेंगे, है ना। तो आपका ये आंसर है कि सेकेंड वाले अकॉर्डिंग के आपको वर्ब लगाना है, सेकेंड में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब पुट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले जाते, चलिए अब अगला रूल क्या है देखा जाए। अगला रूल है आपका 23 में देखा जाए रिलेटिव प्रोनाउंस, ये वाला जो रूल है ना काफी ज्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखा जाए रिलेटिव प्रोनाउन हु को बोलेंगे, विच को बोलेंगे, दैट को बोलेंगे, ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखा जाए, द गर्ल हु डैश प्लेइंग इज माई डॉटर, ऑप्शन है इज होगा या आर होगा, ठीक है। अगला है द गर्ल्स हु डैश प्लेइंग आर माई डॉटर्स, ऑप्शन इज है आर है। अगला है इट इज आई हु डैश रिटन दिस लेटर, ऑप्शन हैज है और हैव है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहां पर गर्ल है हु है किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाए, किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाए, तो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, वही ट्रिक हर जगह फॉलो करेंगे तो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखेंगे हु लिखा हुआ है और हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसमें से कोई भी रहेगा ना, इसमें से कोई भी रहेगा और उसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन है आपका हु है विच है दैट है, उससे पहले जो भी नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, जस्ट उसके पहले जो भी नाउन होगा प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है उसके पहले, ठीक है। तो अब बताइए यहां हु है, यहां भी हु है, यहां हु है, इसके पहले गर्ल है तो गर्ल तो सिंगुलर एक, तो सिंगुलर में इज क्या तो इज, यहां हु है इसके पहले गर्ल्स है बहुत सारी गर्ल्स है तो इज क्या तो आ बन गया। इट इज आई हु तो हु से पहले आई है और आई में हैज लगता है कि हैव लगता है तो हैव लगता है। चलिए बन गया ना, इजी है, बहुत इजी है। अब आगे बढ़ते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, आगे बढ़ेंगे। रूल 24 देखा जाए, फर्नीचर हो, एडवाइस हो, न्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो, लगेज हो, बैगेज हो, पोएट्री हो, डस्ट हो, म्यूजिक हो, देखने में सब लग रहा है कि आपका क्या है ये, मतलब बहुत इजी है, इसमें कोई वर्ड पुट कर देंगे, जैसे फर्नीचर है तो बहुत सारा फर्नीचर लग रहा है तो यहाँ आर लगा देंगे, हैव लगा देंगे। बैगेज बहुत सारा बैगेज का बात कर रहा है, ठीक है, बैगेज का बात कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे आर लगा देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ देखा जाए बढ़िया से लिखा जाए, देखिए ये आपका कहीं भी लिखा रहेगा कि कहीं भी वर्ड लिखा रहेगा, फर्नीचर हो, एडवाइस हो, न्यूज हो, इन्फॉर्मेशन हो, लगाना है आपको सिंगुलर वर्ड। अब से न्यूज लिखा हुआ है तो एस लगा हुआ है तो आप आर लगा दीजिएगा, नहीं ये सब वर्ड कहीं भी लिखा है, फर्नीचर हो, लगेज हो, बैगेज हो, न्यूज हो, ये कहीं भी लिखा रहेगा आपको लगाना है सिंगुलर वर्ड, है ना। तो बोलिए द न्यूज इज क्या तो इज होगा, ऑल हिज लगेज तो लगेज है तो लगेज भी रहेगा तो क्या होगा सिंगुलर वर्ड, तो हैज की है तो हैज, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे निकल जाए रूल 25, ज्यूरी हो, मॉब हो, ज्यूरी जज के ग्रुप को ज्यूरी बोलते हैं, मॉब भीड़ को बोलते हैं, कमेटी टीम गवर्नमेंट, ये सब कौन सा नाउन है कलेक्टिव नाउन है, ये सब कौन सा नाउन है कलेक्टिव नाउन है। तो कमेटी में कौन सा वर्ब लगाएंगे, कमेटी में इच भी लग सकता है आर भी लग सकता है, ठीक है, मींस क्या सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लुरल वर्ब भी लग सकता है। तो सवाल ये है कि कहां पर कौन सा वर्ब लगाएंगे, है ना, कमेटी में, जैसे कि यहां तो फिक्स कर दिया है, फर्नीचर में कभी भी होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, फिक्स है ये सब में, फिक्स है, बैगेज सिंगुलर वर्ब, पोएट्री सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहां पर कलेक्टिव जो नाउन है आपका ज्यूरी है, मॉब है, कमेटी है ना, इसमें दोनों वर्ब आ सकता है, तो कब कौन सा वर्ब होगा उसको देखा जाए।
कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन में जब सबका ओपिनियन जो है, ओपिनियन बोले तो मशवरा, राय, सलाह, अगर सबका अगर सेम रहेगा, अगर सबका ओपिनियन जो है सेम रहेगा तो वहां पर सिमिलर वर्ब, और जब सबका ओपिनियन जो है डिफरेंट रहेगा तो वहां पर प्लुरल वर्ब। ठीक है, जैसे हम लोग को मीटिंग एक की और मीटिंग में क्या हुआ कि बढ़िया से मीटिंग हो गया, पंचायत हो गया बढ़िया से, और सब लोग गले गले मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मीटिंग में सबका ओपिनियन क्या है सेम है, तो वहां पर सिमिलर वर्ब आएगा। लेकिन मीटिंग हो रहा है, पंचायत हो रहा है, उसमें लाठी निकल जाए, मारपीट हो जाए, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि इसमें सबका ओपिनियन क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वहां पर प्लुरल वर्ब। ठीक है, तो ओपिनियन चेक करना है, तो द कमिटी डैश यूनाइटेड ऑप्शन वाज और वर्ड, तो कोई भी जब कमिटी जब यूनाइटेड होगा इसका मतलब है कि सबका ओपिनियन क्या होगा सेम होगा, और जब सेम होगा तो सिंगुलर वर्ब, तो वाज गिवेर तो वाज। अगला क्या पड़ा है, द कमिटी डैश डिवाइडेड, कमिटी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि सबका ओपिनियन क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहां पर प्लुरल वर्ब क्या हो जाएगा वर्ब। चलिए, कोई दिक्कत है क्या, आज क्लास कैसा लगा हमको जरूर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जय हो, जय हिंद।